हाँ जी बेटा, सो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? सो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि दो चीज़ों से बना होता है। वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। सो सोल्यूट को मेनली हम क्या बोलते हैं कि जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? जो हमेशा क्या होता है, एक्सेस अमाउंट, और वी कैन से कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर हमारे पास क्या है, जैसे सपोज हमने ले ली 5 ग्राम शुगर इन 20 ml वाटर में, तो शुगर क्या है हमारे पास, सोल्यूट, एंड वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम, जो दो चीज़ों से मिलके बना होगा, वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन एक्चुअल में क्या है बेटा कि जो ये सॉल्यूट है ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा ये लेस अमाउंट में ही प्रेजेंट हो, क्योंकि सॉल्यूट वो होता है जिसको हमने विच डिजॉल्व करना है, विच हैज़ टू बी डिजॉल्व्ड, एंड सॉल्वेंट इज इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। सो जैसे शुगर में हमने पानी डाला तो डिजॉल्व किसने होना है, शुगर में। सो इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे शुगर की अमाउंट लेस है चाहे ज़्यादा है, जितनी भी अमाउंट है तो डिजॉल्व तो हमेशा शुगर ने ही होना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि शुगर क्या है, सॉल्यूट। सो ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट, ये उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसने डिजॉल्व होना है वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जिसको जिसके बीच में हमने डिजॉल्व करना है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ओके, सो नेक्स्ट है कि जैसे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसके बेस पे हम सॉल्यूशंस को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो अब देखो, कंसेंट्रेट सॉल्यूशन का सीधा मेथड क्या है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा, कम, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखो, जैसे हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फर्स्ट एग्जांपल सपोज करो हमने एक सॉल्यूशन में 2 ग्राम शुगर को 10 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया। दूसरे साइड पे हमने क्या लिया कि 5 ग्राम शुगर को 10 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब देखो इन दोनों में क्या हुआ कि शुगर की अमाउंट हमने चेंज की है, एक में हमने ली 2 ग्राम, दूसरे में हमने ली 5 ग्राम, लेकिन जो वाटर की अमाउंट है, जो सॉल्वेंट है, वो हमने सेम रखा कि 10 ml 10 ml। सो इसमें कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है? तो जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बेटा ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होगा। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 5 ग्राम शुगर वाला सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और
जो 2 ग्राम शुगर वाला सॉल्यूशन है वो क्या हो गया हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी वो क्या होगा कंसेंट्रेट, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी वो क्या होगा डाइल्यूट। लेकिन अगर अब देखो कि अगर हम 2 सॉल्यूशन बनाएं जिसमें सॉल्यूट को सेम रखा हुआ है, कि एक में हमने 2 ग्राम शुगर ली, दूसरे में भी हमने 2 ग्राम शुगर ली, लेकिन एक में हमने 10 ml वाटर डाला और दूसरे में हमने क्या डाला 50 ml वाटर। तो अब देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि शुगर दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो क्या है हमारे पास सेम, कि 2 ग्राम 2 ग्राम, लेकिन एक में पानी कितना है 10 ml, दूसरे में पानी कितना है 50 ml। तो जो शुगर का टेस्ट है वो किस में ज़्यादा आएगा, 10 ml में। सो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ml जो पानी वाला सॉल्यूशन है वो क्या हमारे पास बन गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और जिसमें पानी हमारे पास ज़्यादा है वो क्या बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये है मेथड देखने के कि कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है। ठीक है, सो अब देखो एक चीज़ और होती है कि जैसे सपोज हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ, लेट अस सपोज हमने सॉल्यूशन बनाया कि 10 ml वाटर में हमने 5 ग्राम शुगर ऐड की, 10 ml वाटर में हमने 5 ग्राम शुगर ऐड की। अब अगर 10 ml वाटर में हमने 5 ग्राम शुगर ऐड की है तो ये अब एक बार कहते हैं कि चलो जी ये सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो अब सपोज अब इसमें मैंने उसके बाद क्या किया कि इस सॉल्यूशन में 20 ml वाटर और डाल दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या कैसे बोलेंगे कि हमने इसकी इस सॉल्यूशन की क्या कर दी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जितना जितना वाटर हम ऐड करेंगे मीन्स टू से कि उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर एक बार 20 ml डाला तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसमें फर्दर पानी डाल दिया, जैसे सपोज अब 100 ml वाटर और डाल दिया, तो शुगर तो देखो बेटा सेम है ना, तो शुगर हमने पहले कितनी ली थी 5 ग्राम। सो इसका मतलब अमाउंट ऑफ शुगर सेम है 5 ग्राम, लेकिन अब वो कितने में प्रेजेंट है 100 ml में। पहले वो कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट थी, कितने पानी में प्रेजेंट थी 10 ml में, लेकिन अब हमारे पास कितना है 100 ml। सो पहले वाला सॉल्यूशन क्या था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें पानी और डाली जाएंगे तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सो जितना पानी हम ज़्यादा ऐड करते हैं तो उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि उसमें हम उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में फ़र्क क्या हो गया हमारे पास कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है या अमाउंट ऑफ वाटर कम है। दो तरीके से हम देख सकते हैं, देखो फिर से देखो एक बार कि एक में हमने 2 ग्राम शुगर ली, एक में हमने 5 ग्राम शुगर ली, तो 2 ग्राम में हमने क्या किया 10 ml वाटर, 5 ग्राम में भी 10 ml वाटर। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि सॉल्यूट की अमाउंट चेंज हो रही है लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट हमारे पास क्या है सेम। सो इसका मतलब जिसमें जितना सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो उतना सॉल्यूशन क्या होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम सॉल्यूट की अमाउंट को क्या रखते हैं सेम, जैसे 2 ग्राम 2 ग्राम, लेकिन पानी को चेंज कर दिया, पानी को चेंज किया तो पानी में कितना डाला एक बार 10 और दूसरी बार हमने डाला 50 ml। सो वाटर चेंज करने पर क्या हुआ कि वाटर की अमाउंट इंक्रीज करने पर वो सॉल्यूशन क्या बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें जितना पानी कम है वो क्या बन जाएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट है बेटा कि अगर यहाँ से हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन देखें कि कंसंट्रेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है हमारे पास,
सो कंसंट्रेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। सो कितनी सॉल्यूट की अमाउंट हमारे पास होगी एक गिवन सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। सो अब देखो, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की कि हाउ कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। सो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास मास परसेंटेज और वी कैन से वेट परसेंटेज, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मास परसेंटेज। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम अपने, जैसे आपका कोई टेस्ट होता है केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, ठीक है, तो उसमें से सपोज आपके मार्क्स कितने आते हैं कि सपोज 70 मार्क्स का टोटल टेस्ट था, आपके मार्क्स आए 35, तो आप अपनी परसेंटेज कैसे देखोगे, जितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए और ओवर टोटल मार्क्स इंटू 100, तो इस हिसाब से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। सिमिलरली इस केस में भी हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज। तो हमने किसकी मास परसेंटेज फाइंड करनी है, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की मास परसेंटेज फाइंड करने का मेथड क्या है कि सॉल्यूशन अब किससे मिलके बना है, एक सॉल्यूट से और दूसरा सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज नोट करने वाली है कि जैसे हम सपोज एक को ए मानेंगे दूसरे को बी, तो पूरी बुक में क्या किया हुआ है कि केमिस्ट्री में सॉल्वेंट को हम ए सपोज करके चलते हैं और सॉल्यूट को बी। कि सपोज करो कि सॉल्वेंट ए है हमारे पास कोई भी और सॉल्यूट बी है। सो सपोज हमने मास परसेंटेज ऑफ ए फाइंड करनी है, तो मास परसेंटेज ए की फाइंड करनी है, तो मास ऑफ ए ओवर टोटल मास, टोटल किसका हुआ, ए प्लस बी का। सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ए और बी ने मिलके क्या बना दिया हमारे पास, सॉल्यूशन, तो इनटू क्या आएगा हमारे पास 100, क्यों, क्योंकि हमने फाइंड क्या करनी है, परसेंटेज, ठीक है। सो मास परसेंटेज ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ ए जिसकी फाइंड करनी है उसका मास ओवर टोटल का मास इनटू 100, तो ये हमारे पास मास परसेंटेज आ जाती है। सिमिलरली सपोज हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ बी इन द सेम सॉल्यूशन, सो हाउ वी विल फाइंड, सो इसमें क्या करेंगे, जिसकी फाइंड करनी है उसका मास, मास ऑफ बी ओवर टोटल मास इंटू 100, ठीक है। सो अब ये यूज कैसे होता है ये फॉर्मूला, मतलब इसकी आउटपुट क्या है कि आपको कैसे दिया होगा, किसी भी क्वेश्चन में जैसे लिखा हो सपोज कि 10% कोई भी सोल्यूशन मान लो, जैसे 10% हमारे पास है HCl by mass, एक तो ये मेथड है कि ऐसे लिखेंगे। दूसरा इसी को हम कैसे और कैसे लिख सकते हैं, 10% HCl W by W। अब देखो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास लिखने के, कि जैसे जिसकी परसेंटेज हमें पता है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 10% HCl by mass और 10% HCl W by W। W by W का मतलब क्या हुआ, वेट by वेट। तो इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में कि 10% HCl, HCl क्या है, अब यहाँ पे सॉल्यूट, सो जिसकी बात की हुई है और जितने परसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम, ग्राम क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे W है और यहाँ पे क्या है, बाय मास, तो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से एक चीज़ होगी, कोई भी कैसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, 10 ग्राम HCl, सो जिसकी भी बात की है, जैसे यहाँ पे बात की है 10% HCl, तो हमने लिख दिया 10 ग्राम HCl। तो किस में प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इन, तो परसेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, परसेंट मीन्स 100, सो 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि जो बेटा 100 है वो टोटल है, तो टोटल कितना होगा परसेंट का, 100, सो 10 ग्राम इन 100 ग्राम। अगर हमने
एक तो मेथड ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि जो 10 ग्राम HCl है वो कितने में प्रेजेंट है, 100 में से अगर 10 को माइनस कर दें तो बाकी क्या बचा, 90। सो व्हाट इज 90, 90 क्या है, सॉल्वेंट। तो 90 ग्राम सॉल्वेंट। एक चीज़ और, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि 10% HClW/W, तो हमें ये नहीं बताया कि सॉल्वेंट कौन सा है। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारे पास, तो हम पानी को ही सॉल्वेंट मानेंगे इसमें। तो 90 ग्राम सॉल्वेंट, और यू कैन से 90 ग्राम वाटर। समझ आ गया। सो 10% HClW/W, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक क्वेश्चन में दिया होता है हम मोस्टली कि कैसे लिखना है इसको, तो उसका मीनिंग क्या है। तो 10 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सपोज यहाँ पे दिया हो 35% H2SO4 बाय मास, देन हाउ वी विल राइट कि 35 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, या फिर 100 में से 35 को माइनस कर दो तो क्या बचा हमारे पास, 65। तो 35 क्या हो गया हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी का 65 क्या हो जाएगा हमारे पास, पानी। ठीक है। सो ये था हमारे पास मास परसेंटेज। सो मास परसेंटेज हमने कैसे फाइंड की कि जिस किसी का भी हमने मास फाइंड करना है, उसका मास ओवर टोटल का मास इंटू 100। सो नेक्स्ट हम, ये था हमारे पास एक मेथड कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, फर्स्ट मेथड मास परसेंटेज। अब दूसरा मेथड है हमारे पास बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, कि अगर मास की जगह हमारे पास वॉल्यूम है तो सपोज हमारे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स आर देयर, वन इज ए, सेकंड इज बी। ए का वॉल्यूम कितना है, वी ए, बी का वॉल्यूम कितना है, वी बी। सो परसेंटेज ऑफ ए, सो परसेंटेज ए की हम कैसे फाइंड करेंगे, जिसकी फाइंड करनी है उसका वॉल्यूम ओवर टोटल का वॉल्यूम इंटू 100, जैसे हमने पिछले केस में किया मास के केस में। सो ओनली डिफरेंस इज वहां पे क्या था हमारे पास, मास, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। ठीक है। तो जैसे सेम ही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि सपोज वहां पे दिया हुआ था हमारे पास 10% HCl बाय मास और 10% HCl W बाय W। तो अब सपोज करो यहाँ पे दिया है 10% HCl V बाय V, तो अगर तो W बाय W गिवन है तो इसका मतलब है मास की फॉर्म में हमने बात करनी है, तो अगर V बाय V गिवन है तो इसका मतलब हमने उसको वॉल्यूम की लैंग्वेज में बात करनी है। तो कैसे लिखेंगे अब, 10 ml, क्या बन जाएगा, 10 ml। वाई, बिकॉज हेयर V इज देयर। सो 10 ml HCl कितने में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन, सेम उसी तरह दो मेथड है हमारे पास, एक तो हम लिख सकते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ गए, और एक मैं लिख सकती हूँ कि 10 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन, 100 में से 10 को माइनस किया तो कितना बच गया हमारे पास, 90। सो 90 ml वाटर। ठीक है। सो ml कब लेंगे, जब V बाय V है। W बाय W कब लेंगे, जब मास कब लेंगे, या ग्राम में, ग्राम की फॉर्म में हम बात कब करेंगे, जब हमारे पास W बाय W की बने। ठीक है। अब अगर दोनों को मिक्स करके लिख दें, जैसे 10% HCl W बाय V, तो फिर क्या बन जाएगा कि पहले हम लिखेंगे 10 ग्राम HCl, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, W, और बाद में हम लिख देंगे प्रेजेंट इन 90 ml वाटर। क्यों, क्योंकि बाद में क्या है, V। सो जिस फॉर्म में भी उसने बात की है हम उसी की फॉर्म में फिर उसको लिख लेंगे उसी तरह। ठीक है। सो ये था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। नेक्स्ट है, एक चीज़ और आती है कि PPM, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक मार्क में, वन मार्क में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज PPM। सो PPM की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन।
अब मिलियन कितना होता है, 10^6। उससे भी पहले देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पार्ट्स पर मिलियन कहाँ यूज होगा, परसेंटेज कहाँ यूज होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा। सो जो ppm है उसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, और ये किस में यूज होता है कि जो चीज बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कोई सोल्यूट है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ट्रेसेस में, मतलब जो ट्रेसेस में प्रेजेंट है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ppm। सो ट्रेसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी वाले क्या करते हैं, क्लोरीन को डालते हैं कि पानी की प्योरिफिकेशन के लिए। सो जितनी क्लोरीन डाली होती है उसकी हम अमाउंट है जो वो ppm में देखते हैं। या फिर जैसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, सो पोल्यूशन में पोल्यूशन किसके कारण होता है, हार्मफुल गैसेस के कारण। सो हार्मफुल जो गैसेस हैं हमारे पास वो क्या बन गई, पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट हैं जो जो कोई भी, जैसे कोई भी एक गैस की बात करें तो वो कितनी प्रेजेंट हैं, तो वो हम किस फॉर्म की, किस फॉर्म में देखेंगे, ppm की फॉर्म में, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है, जैसे हमने मास परसेंटेज में देखते हैं या वॉल्यूम परसेंटेज में देखते हैं, जैसे हमने मास में देखा था कि मास परसेंटेज में हमने क्या लिखा था कि जिसका आपने फाइन करना है उसका मास ओवर टोटल का मास इंटू 100। तो सेम उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसकी भी परसेंट, जिसकी भी, जिसको भी हमने लिखना है तो उसका क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास। तो अगर परसेंट है तो देखो ये चीज़ तो सेम रही ना कि मास ऑफ कंपोनेंट ए ओवर टोटल मास, जैसे कंपोनेंट ए ओवर टोटल मास। अगर परसेंटेज है तो यहाँ पे हम 100 लगाएंगे, अगर ppm है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10^6, बिकॉज ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। सो मिलियन का कितना हो गया, 10^6। सो परसेंट का कितना होता है, 100। सो परसेंट की फॉर्म में 100 और ppm में इंटू 10^6। सो इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड ppm। नेक्स्ट है फोर्थ मेथड कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। तो फोर्थ है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोलैरिटी। फोर्थ है हमारे पास मोलैरिटी। सबसे पहले जो मोलैरिटी है उसको हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एम। सो कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम को जैसे हम लिखेंगे कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको भी दो तरीके में लिख सकते हैं, दो मेथड हैं हमारे पास कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml के बराबर। सो अगर सपोज, अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम है जो लीटर में गिवन है, तो फिर तो यही फार्मूला रहेगा। अगर सपोज क्वेश्चन में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में प्रेजेंट है, तो फिर कैसे बन जाएगा ये फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या हो गया कि पहले किस में था वॉल्यूम, लीटर में, लेकिन अब किस में है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, 1000, ठीक है। तो अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स क्या हो गए इसके,
यूनिट्स क्या है, पहले क्या है मोल्स, नीचे क्या है मिलीलीटर, तो मोल पर मिलीलीटर और मोल पर लीटर और सिंपली कैपिटल एम। तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर हमने कैपिटल एम डाला हुआ है तो उसका मतलब है कि हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है। सपोज करो हमारे पास है 5 mHcl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे HCl की मोलैरिटी पता है। तो कितनी मोलैरिटी है, 5, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमने इसको मोल मिलीलीटर ऐसे लिखना है, तो हम सिंपली कैपिटल एम भी डाल सकते हैं। तो मेनली हमने हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम ही डाला होता है, ठीक है। सो 5 molar HCl, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 molar HCl। तो 5 molar HCl का मतलब क्या हो गया कि HCl की जो मोलैरिटी है दैट इज 5, ओके। अब मोलैरिटी में क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज क्या है मोलैरिटी की, मोलैरिटी की डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। सो कैसे चेंज करती है ये टेम्परेचर के साथ, कि अगर हम टेम्परेचर को इनक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इनक्रीज करेगा। अब मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली मोलैरिटी विल डिक्रीज, और वी कैन से मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो मोलैरिटी विल डिक्रीज। सो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मोलैरिटी। सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मोलैरिटी, कि इट चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल एम, ये क्या थी कैपिटल एम, अब क्या है हमारे पास स्मॉल एम, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, ये क्या है हमारे पास मोलैलिटी। अब देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास, किलोग्राम। अगर हमने इसको लेना है ग्राम में तो फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो उसी तरह इसके भी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल एम। तो सिंपल अगर हमें हमारे पास जो भी आंसर आता है तो उसके यूनिट सिंपल लिख दो कि स्मॉल एम, ठीक है। तो जहाँ जिस क्वेश्चन पे भी हमारे पास, जैसे सपोज करो कि 5 mH2SO4 ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास उस H2SO4 की मोलैलिटी गिवन है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है कि डिसएडवांटेज, मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, बट जो मोलैलिटी है इसका कोई इफेक्ट नहीं है विद टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे क्या है, वेट, और वेट है जो या मास है जो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर या टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर। सो मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, बट कैपिटल एम जो मोलैरिटी है हमारे पास वो क्या होगी, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, बट जो स्मॉल एम है हमारे पास वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर इसी के बेस पे ये क्वेश्चन आ जाए, सपोज क्वेश्चन है जैसे विच इज बेटर, कैपिटल एम और स्मॉल एम, बताओ कैपिटल एम या स्मॉल एम, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है।
तो कौन सी चीज़ बेटर होगी? हमारे पास स्मॉल m इज़ बेटर. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. ठीक है, जो कैपिटल M है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन जो स्मॉल m है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती. सो ये इसका क्या है? एडवांटेज है मोलैरिटी का. ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? मोलैरिटी का. ओके, नेक्स्ट है, अभी हमने किया मोलैरिटी और मोलैलिटी. थर्ड है हमारे पास नॉर्मेलिटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारा कुछ वैसे आपने प्लस वन में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारा कुछ फर्स्ट चैप्टर में था आपके प्लस वन के. तो अब है नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी देखो क्या होती है. जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन नॉर्मेलिटी में हम मोल्स नहीं लेते, मोल्स की जगह हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वो अब डिपेंड करेगा कि अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो 1000 नहीं लगाना, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 1000 लगाएंगे. ठीक है, सो अब ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है, सो इसका ये फार्मूला अब फर्दर स्प्लिट होगा कि जैसे हम फाइंड कैसे करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है. तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं बेटा? मास ऑफ, अब देखो ये फार्मूला किसका था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूट. ये सारा कुछ सॉल्यूट का ही होगा. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो अब मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे 2 ग्राम सॉल्यूट हमने ले लिया, या कोई भी 10 ग्राम या 13.8 ग्राम, जितनी भी वैल्यू दी होगी वो आपको गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन में कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है. अब आप बात आई इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड करते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन उसने किसका, क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, एसिड की बात कर रहा है या बेस की बात कर रहा है. अब देखो जैसे इक्विवेलेंट मास है, अगर हमारे पास एसिड की बात हो रही है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन, अब देखो एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी. एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी. और बेस की क्या होती है? एसिडिटी. उल्टा होता है नाम से बिल्कुल. एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी. सो मोलर मास ओवर बेसिसिटी. अब देखो, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी? एसिड का मतलब क्या है? अगर आपको सिंपल कोई पूछे कि व्हाट इज एसिड, तो हम क्या बोलते हैं कि एसिड वो है जी जो एच प्लस देगा. सो इसका मतलब कि जो जितने एच प्लस देगा वो उतनी उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी. सो जैसे एच सी एल है, एच सी एल के पास कितने एच हैं? ओनली वन. सो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? वन. अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने एच देगा? टू. सो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? टू. अगर सपोज हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड. एक चीज़ और बेटा, आपको फार्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन में ऐसे ही लिख दिया ऑक्सैलिक एसिड. अगर आपको फार्मूला ही नहीं आता ऑक्सैलिक एसिड का, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, सो इसलिए साथ ही साथ आप फार्मूलाज जरूर माइंड में रखो कि ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला कौन सा है, या जैसे कोई भी एसिड है एसिटिक एसिड का फार्मूला कौन सा है. सो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड को हम लिखते हैं H2C2O4 डॉट H2O. अब वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं देखते हम, सिर्फ एसिड के H को देखते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड में कितने H हैं. ऑक्सैलिक एसिड में कितने H हैं? टू. सो इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी? टू. इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि बेसिसिटी कितनी होगी. जैसे हम सपोज H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी आ गई? टू. H2SO4 की जो मोलर मास है H2SO4 का, वो कितना होगा? 98. सो 98 इसका मोलर मास है, बेसिसिटी है इसकी 2. सो 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 49. तो 49 इसका क्या आ गया हमारे पास? इक्विवेलेंट मास. 49 क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास.
तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आया उसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन ही होता है क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से आप ग्राम इक्विवेलेंट है जो वो फाइंड हो जाएंगे आपके। ठीक है, सो दोबारा फिर सुन लो कि क्या है इक्विवेलेंट मास किसका। अभी अभी हमने इक्विवेलेंट मास किसका फाइंड किया है, सिर्फ एसिड का। कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास एसिड गिवन है तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड करेंगे, कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मोलर मास ओवर बेसिसिटी। ठीक है, अब अगर सपोज करो इक्विवेलेंट मास हमने किसका फाइंड करना है, बेस का। तो बेस की क्या होगी, बेस क्या होता है, जो कितने एच पॉजिटिव सॉरी कितने ओ एच नेगेटिव दे रहा है। बेस होता है, बेस की डेफिनेशन कि बेस कितने ओ एच नेगेटिव देगा। सो बेस कितने ओ एच नेगेटिव देगा वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी। सो इसमें भी सेम इक्विवेलेंट मास, जहाँ पे हमने वहाँ वहाँ क्या लिखा था, बेसिसिटी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एसिडिटी। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने ओ एच आयन है, 2। सो ये 2 ओ एच देगा, तो 2 ओ एच देगा, तो इसकी एसिडिटी भी कितनी हो जाएगी, 2। सो उस हिसाब से हम ये जो नॉर्मेलिटी है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगेन एज लाइक मोलैरिटी, जो नॉर्मेलिटी है ये भी क्या है, इसकी भी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि जैसे मोलैरिटी का हमने किया था कि मोलैरिटी है जो वो टेम्परेचर के इनक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। क्यों इनक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो वॉल्यूम भी उसके हिसाब से बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेम नॉर्मेलिटी में भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के बढ़ने पर नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये सेम है जैसे हमने कैपिटल एम में किया था, क्योंकि कैपिटल एम भी डिक्रीज होती है और नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, बट जो स्मॉल एम है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बेटर है एज कंपेयर टू कैपिटल एम और कैपिटल एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। तो लास्ट एक टॉपिक बचा है हमारा, इसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो बहुत ही इजी है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन में क्या है, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन बना टू कंपोनेंट से मिलके, तो जो भी कोई सॉल्यूशन है बेटा उसमें मिनिमम टू कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होना ही है ना। ये हो सकता है कि दो सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, तीन सॉल्यूट को मिक्स कर दिया एक ही सॉल्वेंट में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो टू कंपोनेंट से मिलके बना है, थ्री से मिलके बना है या फोर से मिलके बना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास मिनिमम टू कंपोनेंट्स तो होंगे, और जिसमें हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं ना सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को हम बोलते क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी चीज नोट करना कि बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, कि जिसमें टू कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हमने ये लिखा है कि वन इज ए, सेकंड इज बी। अब देखो सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास एन ए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए एन बी। अब ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो ये है नंबर ऑफ मोल्स, अब इसकी सपोज मैंने मोल फ्रैक्शन एक्स ए की फाइंड करनी है, एक्स ए की। ठीक है, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसके मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल कितनी है, एन ए प्लस एन बी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन। अब सपोज मैंने बी की फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन, तो बी की क्या आएगी, जिसकी फाइंड करनी है उसके मोल्स ओवर टोटल मोल्स। ठीक है, अब अगर आपको एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड कर ली, दूसरे की आपने फाइंड करनी है, तो दूसरे के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट ही हैं तो दोनों की मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, यूनिटी के बराबर। तो ये याद रखना है, चाहे हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं, चाहे हमारे पास तीन हैं, चार हैं,
तो जितने भी कंपोनेंट से मिलके वो सॉल्यूशन बनेगा, उन सब का जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटी के बराबर होगा। सो अगर यूनिटी के बराबर है तो एक्स है हमने इस फार्मूला से फाइंड कर ली, तो एक्स बी के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे कि एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 - xA, ठीक है। सो सपोज अब हमारे पास तीन कंपोनेंट है, जैसे वन इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी। तो ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल में कि हमारे पास तीन कंपोनेंट दिए होते हैं, जैसे एक अल्कोहल दे दिया, दूसरा एस्टिक एसिड दे दिया, तीसरा वाटर दे दिया। तो उसने बोलना है कि तीनों की मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। तो तीनों की मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का मेथड क्या है, जैसे हमने सपोज ए की फाइंड करनी है, तो ए की फाइंड कैसे होगी, जिसकी फाइंड करनी है उसके मोल्स ओवर टोटल मोल्स। अब टोटल में कितने आएंगे, तीनों, ठीक है। तो बी की कैसे फाइंड करेंगे, जिसकी फाइंड करनी है उसके मोल्स ओवर टोटल मोल्स, ठीक है। तो अब सी की जब टर्म आएगी तो वो सी को कम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सी के लिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। सो सी के लिए एक्स सी विल बी इक्वल टू 1 - xA - xB। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का सम, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मूलाज ऑफ मोल फ्रैक्शन, या जो भी इसके सिंपल फार्मूलाज हैं, जैसे मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या क्या है हमारे पास कि जैसे वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये मैंने ना एक चीज़ और कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये पहले किया हुआ था मेरे पास, लेकिन बीच में मतलब एक स्टूडेंट और है जिसने ये नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग से किया है। तो जिसको नहीं पहले समझ आया था वो भी देख लो, ठीक है। तो साथ ही साथ अब मैं दूसरी जो है इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगी आपके पास, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।